बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और जी अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और अल्लाह पाक से दुआ है आप लोग जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते और मुस्कराते रहें। तो जी जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि मैं अम्मी के घर गई हुई हूँ, और जिस पे मेरे ना तो कोई इतने व्यूज़ आए हैं और ना ही कोई इतना ख़ास रिस्पांस मिला है मुझे उस वीडियो पे। चलें खैर कोई बात नहीं, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तो जी यहाँ पे जो हमारे रास्ते से, हमारे घर से और जो मुल्तान का रास्ता है ना, वहाँ पे काफ़ी मतलब जो सड़क है ना उसके इर्द गिर्द रेत वग़ैरह है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा व्यू है, दोनों साइड्स पे जो रेत के हैं वो टीले हैं बहुत बड़े बड़े। मुझे तो ये बहुत प्यारा सीन लगता है, बड़ी बड़ी नीट एंड क्लीन जो सड़क है वो भी है, और काफ़ी दूर तक ये नज़ारा है माशाल्लाह से। और फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मैं अम्मी के घर आई हुई हूँ। मेरी अम्मी का घर किसी और सिटी में है, लेकिन मैं जा रही हूँ मुल्तान सिटी, क्योंकि वहाँ पे मेरी जो सबसे छोटी बहन है वो रहती है। तो हम उसके बच्चों से मिलने जा रहे हैं, उसको भी मिलेंगे, लेकिन जनाब जब बहनों की शादियाँ हो जाती हैं तो बहनों से ज़्यादा उनके बच्चे प्यारे लगते हैं, तो हम तो अब उसके बच्चों के लिए ज़्यादा उदास हो जाते हैं। इसलिए हमारी मैक्सिमम कोशिश होती है कि महीने में एक दफ़ा तो उन्हें ज़रूर मिलें, क्योंकि हमसे रहा भी नहीं जाता उन्हें मिले बगैर। तो जी आपने मेरे साथ साथ रहना है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोग ज़रूर इंटरटेन होंगे मेरे इस व्लॉग से। मैं अपनी बहन के घर का भी आपको जो व्लॉग है थोड़ा बहुत शेयर करूंगी, और उसके अलावा आज मैं जा रही हूँ एक बहुत ही प्यारे दरबार पे। ये देखें फ्रेंड्स, मेरी सिस्टर, मेरा छोटा भाई और मेरे अब्बू जा रहे हैं सिस्टर के घर, छोटी सिस्टर के घर। और फ्रेंड्स फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं सिस्टर के घर, और इतना दिल खुश होता है ना बच्चों से मिलके, यकीन करें बस एक नई जान सी आ जाती है। और यहाँ पे जी देखें मेरा सबसे जो बड़ा भांजा है, पहले तो ये हमें ऐसे शर्मा शर्मा के मारता है, हमारा हमसे जैसे जान पहचान भी ना हो, लेकिन बाद में ये इतना हमारे साथ घुल मिल जाता है ना कि उससे फिर से वो पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं कि मेरे ननिहाल वाले आए हुए हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे जी हमारी तैयारी हो गई थी दरबार हज़रत शाह रुकन आलम पे जाने की। माशाल्लाह से जो मुल्तान सिटी है ना उसे वलियों का उसे वलियों का जो शहर कहा जाता है। यहाँ पे इतने ज़्यादा दरबार हैं ना माशाल्लाह से, शाह रुकन आलम, शाह शम्स का दरबार और भी बहुत सारे दरबार हैं जो बहुत खूबसूरत खूबसूरत हैं। और उसके अलावा जी ये वलियों का शहर समझा जाता है और है भी माशाल्लाह बहुत प्यारा। तो यहाँ पे जी मेरी छोटी सिस्टर्स हैं ये दोनों, और साथ में मेरी एक भांजी है, हम लोग जा रहे हैं दरबार पे, और मेरा छोटा भाई है, मेरे अब्बू हैं और छोटी सिस्टर के बच्चे हैं। खूब इंजॉय किया था हमने वहाँ पे, बच्चों ने ख़ास तौर पे किया था। आगे चल के मैं आपको दिखाती हूँ जो चीज़ उन्हें सबसे वहाँ अच्छी लगी थी, वो थे जनाब दरबार के कबूतर, और बच्चों ने खूब इंजॉय किया था वहाँ पर कबूतरों को देख के। और ये बिल्कुल जो दरबार है उसकी सामने वाली एंट्रेंस है, बिल्कुल यहाँ पे जनाब एंटर होते हैं दरबार के अंदर, और जूते वगैरह रखने की यहाँ पे जगह बनी हुई है ये वाली। और ये देखें जी माशाल्लाह कितना खूबसूरत ये दरबार का मीज़ार है। अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुँच चुके हैं और अल्लाह ताला हमारी यहाँ पे हाज़िरी कबूल फरमाए, और अपने दर की भी ज़ियारत के लिए हमें जल्द अज़ जल्द बुलाए, क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं किस वक्त इंसान की ज़िंदगी का आखिरी सांस भी निकल जाए। तो जी दुआ करनी चाहिए अल्लाह पाक हमें ज़िंदगी में जीते जी अपने दर की ज़ियारत ज़रूर करवाए।
और ये देखें जी माशाल्लाह, वो मैंने आपको बाहर का व्यू दिखाया है और ये है जी मेन जो अंदर जहाँ पे मीज़ार है। माशाल्लाह से काफ़ी रश था, बहुत से लोग आए हुए थे मीज़ार पे हाज़िरी के लिए। और ये देखें माशाल्लाह काफ़ी ऊंचा है ये मीज़ार और बड़ा प्यारा है। ये अंदर देखें कब्रें कितनी नीट एंड क्लीन लग रही हैं, और एक बड़ी ऐसी जगहों पे जाके ना एक दहशत सी भी आती है ना, इंसान को बड़े रोंगटे से खड़े हो जाते हैं। बस जी ये अल्लाह ताला के कितने प्यारे लोग थे जो अपनी आखरत संवार गए हैं। हमें भी अल्लाह पाक हिदायत दे अच्छे अमाल करने की। और मैंने मीज़ार को टच नहीं किया था क्योंकि मैं ख़ुद को इस काबिल नहीं समझती कि हम इनके मीज़ारों को हाथ लगाएं, क्योंकि पता नहीं हम अल्लाह ताला की नज़र में कैसे हैं। तो बहुत सारे लोग जो होते हैं वो तो टच करते हैं, लेकिन मेरी ये आदत नहीं है। और ये देखें जी बाहर ये दिए जले हुए थे, तो इनके अंदर तेल था, मैंने कहा ये तेल भी थोड़ा हाथों पर लगा लेते हैं। और फ्रेंड्स ये जोड़ी जो आप देख रहे हैं बच्चों की, दो काके नन्ने मुन्ने से खड़े हैं प्यारे प्यारे से, ये मेरी सिस्टर के दो बेटे हैं और दोनों जुड़वा हैं माशाल्लाह, और बहुत ही प्यारे और क्यूट हैं। अल्लाह पाक इनको लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। और यहाँ पे देखें जी लोग इन कबूतरों को दाना डाल रहे थे, और ये जो भाई साहब खड़े हैं ये काफ़ी देर से टिकटॉक बनवा रहे थे, किसी को मौका भी नहीं दे रहे थे कि वहाँ जाके कोई और भी वीडियो बनाता। खैर और भी लोग गए थे वैसे वहाँ पर, तो ये देखें मेरी सिस्टर भी गई खड़ी है, मेरा भाई भी, छोटे बच्चे भी, और माशाल्लाह बहुत ही कोई खूबसूरत ये व्यू था। ओ दाना पाओ बेटा, दाना पाओ। सखी दे कबूतरां को दाना ही पाओ बेटा, लाल पक्षियों को। और जी यहाँ पे हो रही है हमारी वापसी, माशाल्लाह से खूब इंजॉय किया यहाँ आके। और ये देखें यहाँ पे जो दरबार में मिठाई वगैरह बांटते हैं वो रखी हुई थी लोगों ने, और बच्चे भी खुश थे, बड़े भी खुश थे माशाल्लाह से। और कैसा लगा आपको आज का मेरा ये व्लॉग? अगर अच्छा लगा हो तो आपने लाइक ज़रूर करना है, कमेंट ज़रूर करना है, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है मेरे चैनल को। और अभी मैं चाहूँगी आप लोगों से इजाज़त, मिलेंगे किसी और बेहतरीन से खूबसूरत से व्लॉग में। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।